अब MBBS इन रशिया, चाइना, यूक्रेन, ये सारी जगह से MBBS कंप्लीट करने के बाद प्रोस्पेक्ट्स क्या है? तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप आपके शहर की कोई भी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पर ICU में जो डॉक्टर हो उससे आप बात करें। अगर उसने रशिया, चाइना, यूक्रेन से कंप्लीट किया है अपना MBBS तो उनसे पूछे कि उनकी सैलरी क्या है। आपको आश्चर्य होगा कि उनको मंथली सैलरी भी नहीं मिलती है। ये डॉक्टर्स पर आवर पे काम करते हैं, उनकी पर आवर सैलरी होती है 150 से 300 रुपए। महीने का ये लोग 30,000 से 50,000 कमाते हैं। ये 6 साल वहां पे पढ़ाई करने के बाद भूल जाइए एक बार कि वो लोग इस तरह की पढ़ाई करते हैं कि वापस इंडिया में आके इंडिया की MCI स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं। मैं अभी ऑनलाइन देख रहा था, बहुत सारे लोग पिटिशन कर रहे हैं कि 50% से घटा के 30% मार्क कर दें MCI स्क्रीनिंग टेस्ट के पास होने के। आश्चर्य है, किसी की जिंदगी आप आपके हाथ में लोगे और 30% पासिंग चाहिए। 12वीं में 35% पासिंग है और इन डॉक्टरों को 30% पे पास होना है। यानी आप सोचिए कि आप ऐसे डॉक्टरों के पास गए मरीज बन के तो 70% चांस है कि आपका तो हो गया कल्याण, राम नाम सत्य है। और इन लोगों को 50% नहीं आ रहे, 12 से 30% ये लोग पासिंग रेट आता है। ये भी भूल जाइए, ये करने के बाद भी ये आपका प्रोस्पेक्ट है। कुछ जो लोग घर में हाथ बटाते होंगे, कुछ हस्बैंड्स होंगे, उन लोगों को पता होगा कि एक प्लम्बर आता है, वो भी 150 से 200 रुपए लेके जाता है 15 मिनट के। एक बल्ब चेंज करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन 100 से 150 रुपए लेके जाता है और ये डॉक्टरों को 150 से 300 रुपए मिलते हैं। 30,000 से 50,000 ऑन एन एवरेज कमाते हैं ये लोग। आगे और बढ़ते हैं। इंडिया में MBBS करने के बाद के जो डिस्मल ऑड्स है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब ये अबीजमल ऑड्स आप देखिए कि आप रशिया, चाइना, यूक्रेन से MBBS करके वापस आए हो, ये जो इंडिया के स्टूडेंट से आप मिल गए हो, आप उनसे कम्पीट करके आप पीजी की सीट लोगे। हमने ऑलरेडी देखा है 7,500 सीट्स है पीजी की क्लिनिकल ब्रांचेस में और लोग है 2.5 से 3 लाख। 3 से 4 साल तक लोग प्रयत्न करते हैं, उसके बाद शायद किसी को मिलता है। और पीजी US में मिलना ये तकरीबन नामुमकिन है। एक्सेप्शनल बहुत ही कम लोगों को मिलेगा। 1000 में से 10,000 में से अगर एक को मिलता है तो इसे आप अपवाद मानिए, इसे आप नियम ना जाने, अपवाद मानिए। आप क्या आपको इस अपवाद में जाके आके इस पथ पे आगे बढ़ना है? गए हैं लोग, ऐसा नहीं है, पहुंचे हैं लोग, बिल्कुल पहुंचे हैं, बट वो 1000 में से 1 पहुंचता है। और ये अपवाद में अगर आप आते तो आपको शायद इंडिया में एम्स में भी एडमिशन मिल जाता था। तो ये बहुत सोच समझ के इस पथ पर आगे बढ़े आप। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको फंडामेंटल लॉजिक अब कैसा लग रहा है, कैसे ऑड्स लग रहे हैं। क्या इस मार्ग से आप सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाओगे? क्या ये मार्ग है आपके लिए मनी, रिस्पेक्ट एंड सोशल सर्विस के लिए? ये आप जरूर से सोचें, चिंतन करें, फिर आप आगे बढ़ें।